हेलो एंड वेलकम दोस्त, हिंदी टेक मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्त, आज हम बताने जा रहे हैं मोबाइल या पीसी लैपटॉप के थ्रू हम कोविड का वैक्सीन सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चलना होगा गूगल के क्रोम ब्राउज़र पर, और वहां पर हमको डालना होगा जो वैक्सीन सर्टिफिकेट का ऑफिशियल साइट है उसका लिंक डालना होगा। तो हम यहाँ पर डाल लेते हैं www.covin.gov.in। ठीक है, डाल के हम सर्च कर लेते हैं। तो जैसा कि देखिए, हमारा जो विंडो है डैशबोर्ड ओपन हो चुका है कोविन साइट का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वैक्सीनेशन सर्विसेज का ऑप्शन दिख रहा है फर्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे और सबसे लास्ट में देखिए डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए हम उस पर क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह ओपन हो जाएगा और यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन दिख रहा है। तो दोस्तों, जो हम वैक्सीन लेते हैं और वैक्सीन लेते टाइम जो मोबाइल नंबर हम देते हैं वो नंबर यहाँ पे हमें डालना होगा और उस पर OTP जाएगा और OTP का भी रिक्वायरमेंट होगा। तो हम वो नंबर डाल लेते हैं। दोस्तों, हमने वो नंबर डाल दिया और गेट OTP पर क्लिक कर दिया। ठीक है, जैसे ही गेट OTP पर क्लिक किया और हमारे मोबाइल नंबर पर OTP आ चुका है। ठीक है, तो देख लेते हैं। दोस्तों, हमारे मोबाइल नंबर पर OTP आ चुका है SMS में, तो हम वो डाल लेते हैं। OTP डाल के हमें वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम वेरीफाई एंड प्रोसीड करेंगे, यहाँ पर जितने भी लोग उस मोबाइल नंबर के थ्रू वैक्सीनेटेड हैं, मतलब वैक्सीन लिए हैं, सबका यहाँ पर नाम शो करेगा। जैसे इस मोबाइल नंबर से सिर्फ एक कैंडिडेट यानी एक ही बंदा है जो वैक्सीन लिया है, जगन्नाथ मालिक, रामेश मालिक। ठीक है, तो इनका नाम यहाँ पर शो कर रहा है, ईयर ऑफ बर्थ दिख रहा है, आधार कार्ड का नंबर भी दिख रहा है, फर्स्ट डोज का यानी क्या है, सेकंड डोज क्या है, सब यहाँ पे दोनों डोज कंप्लीट है और इन्होंने कोविशील्ड का वैक्सीन लिया है, सब डिटेल यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में सर्टिफिकेट का ऑप्शन है और बगल में देखिए एक और इंटरनेशनल ट्रैवल सर्टिफिकेट है, मतलब यहाँ पर दो सर्टिफिकेट है, मतलब यहाँ डोमेस्टिक में आप ट्रैवल करना चाहते हो या प्रूफ के लिए चाहिए तो आप सर्टिफिकेट पर खाली क्लिक कीजिए। अगर आप आउट ऑफ कंट्री आप ट्रैवल करना चाहते हो इंटरनेशनल, तो आप इंटरनेशनल सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पासपोर्ट का डिटेल डालने का ऑप्शन खुल के आएगा। अगर आप इंटरनेशनल सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके पासपोर्ट डिटेल डाल दीजिए और आई टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके सबमिट करेंगे तो आपको इंटरनेशनल वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। तो फ़िलहाल हमें तो सिर्फ डोमेस्टिक यानी जो हमारे इंडिया में यूज करने के लिए ही चाहिए, तो हम सर्टिफिकेट पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारा सर्टिफिकेट डाउनलोड होके आ चुका है और हम इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं कुछ नाम यानी कोई नाम डाल के। ठीक है, तो हमने वो जिसका भी वैक्सीन है उनका नाम डाल के यहाँ पे सेव कर लेना है। ये देखिए हमने सेव कर दिया, तो लेफ्ट साइड में कॉर्नर पर देखिए हमारा वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया PDF में, तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो ओपन कर लिया दोस्तों, ये देखिए कुछ इस तरह हमारा वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका है। अब इसका हम चाहे तो कार्ड भी बनवा सकते हैं या तो हमें इसे प्रिंट करके अपने साथ में रखना है तो वो भी हम बना के प्रिंट निकाल के रख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कुछ इस तरह आप वैक्सीन सर्टिफिकेट अपने फ़ोन से या लैपटॉप या PC से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ और भी चीज़ें हैं दोस्तों जो हम दूसरे किसी वीडियो में कवर करेंगे, जैसे रेज एंड ईशू का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ या नेम करेक्शन करना है, ये सब चीज़ें भी हैं जो हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे, वो सब भी आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।